एल मतलब लोअर है, तो आप देख सकते हो ना ये नीचे, तो ये लोअर है। अगर आप अपर डेक पे सीट लेते हो ना तो आपको ऐसा कुछ व्यू मिलता है, मतलब काफी हाइट पे। भाई साहब ये देख रहे हो बोरीवली की भीड़ कितनी ज्यादा है। मैं जाता हूँ अंदर। 1960 तक महाराष्ट्र और गुजरात एक ही स्टेट हुआ करते थे, जिसका एक स्टेट नाम हुआ करता था बॉम्बे स्टेट करके, जो कि ब्रिटिश टाइम से था। बोल रहे थे सो एक्साइटेड, आप ब्लॉग भी नहीं आना चाहते थे ना, पर आप भी आ गए। इट इज व्हाट इट इज। चौधरा तारा और चौपीला तारा और रंगीला तारा रंग बेरुजुए हाय हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबका और एक नए व्लॉग में। तो आज मैं जाने वाला हूँ वडोदरा के लिए। तो पहले पप्पा छोड़ने वाले हैं हमें वाकड़ पे, वहाँ से हम बस करके दादर जाने वाले हैं। दादर से मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल से आधी डबल डेकर ट्रेन है, और ये ट्रेन ना काफ़ी रेयरली है, मतलब बहुत कम है इंडिया में, तो हम उसे ट्रैवल करें, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर वो ट्रेन पकड़ के हम सीधा जाने वाले हैं वडोदरा। तो या लेट्स बिगिन दिस व्लॉग, क्योंकि बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। तो अभी हमने वाकड़ बस स्टॉप से प्राइवेट बस की है, एक्चुअली कोई भी टिकट बुक नहीं की थी हमने, हमने ऑन द स्पॉट कर ली टिकट और 900 रुपये लिए तीनों का। तो मतलब मैं आपको सीट दिखाता हूँ, तो ये कुछ ऐसे सीट मिली है, देखो भाई एसी भी है यहाँ पर, और कुछ बाहर का नज़ारा ऐसा है, और ये खिड़की का नज़ारा है। अभी पता नहीं क्यों रुक गई है, तो अभी डायरेक्टली मुंबई में मिलता हूँ। तो यहाँ पर हम दादर में आ चुके हैं, और भाई इतनी ज़्यादा गर्मी है ना पूछो मत, और भाई 2 घंटे में हम पहुँच गए दादर बस से। और मेरे को लगा था कि भाई बस रुक रुक के जाएंगी, मेरे को लगा लेट हो जाएंगी, पर नहीं, 2 घंटे नॉन स्टॉप वाकड़ से लेके दादर तक आई है। और अभी हम एक साउथ इंडियन होटल में खाना खा रहे हैं, और खाना खाने के बाद हम जाएंगे दादर वेस्टर्न स्टेशन और वहाँ से लोकल पकड़ेंगे। तो अभी ये खाना ख़त्म करता हूँ और फिर बाद में मिलता हूँ। तो भाई यहाँ पर हम मुंबई सेंट्रल में पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हो, और यहाँ पर आप बड़ी बिल्डिंग देख सकते हो मुंबई सेंट्रल। तो अभी हम 2 नंबर पे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, और अभी जाने वाले हैं 3rd नंबर के प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पर कोई तो ट्रेन भी आई है। भाई बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, मेरे देख सकते हो भाई चेहरे से कितना पसीना आ गया है, भाई शब्द बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पर हर 2 मिनट में लोकल आती रहती है। तो भाई साहब अभी हम मुंबई सेंट्रल में, और भाई आप देख सकते हो मेरा पसीना देख के कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है ट्रेन ढूंढने में। पहले हम एकदम पीछे चले गए थे, उसके बाद हम एकदम पीछे चले गए, तो टीसी बोलता है कि आपका जो डब्बा है, कंपार्टमेंट है, वो सबसे आगे है, तो हम आगे आए, और अपर और लोअर डेक होने की वजह से कन्फ्यूजन हो गया, तो हमारा C2L था, एल मतलब लोअर है, तो आप देख सकते हो ना ये नीचे, तो ये लोअर है। और मैं अभी आपको कंपार्टमेंट का टूर देता हूँ कि अंदर से कैसा है, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि काफ़ी मतलब पहली बार ये ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, और सब लोग फोटो और वीडियो खींच रहे हैं, तो चलो अंदर चलते हैं। तो ये हमारा कोच है C2 और एल, ये लोअर डेक है, और ये मेरी बैग है, तो यहाँ पर मेरी मम्मी और बहन बैठी है, तो ये मेरा सीट है, और मैं आपको कंपार्टमेंट दिखाता हूँ अंदर जाके। बहुत आवाज़ आ रहा है, ये बेसिन है, यहाँ पर मिरर है,
ऊपर से। उसके बाद यहाँ पर वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है, मैं आपको दिखाता हूँ पटक से, बहुत गीला है भाई, बहुत पसीना पसीना हो गया है, इतनी गर्मी है यहाँ पर। कुछ इस तरीके से ये रहा टॉयलेट, और टॉयलेट थोड़ी मतलब बदबूदार है। आई गेस अभी ट्रेन शुरू होगी तो जो IRCTC के आदमी है वो आकर क्लीन करेंगे। तो अभी मैं इंडियन स्टाइल आपको दिखाता हूँ, ये इंडियन स्टाइल है, ये थोड़ा मतलब इसकी बदबू तो नहीं आ रही है, यहाँ पर भी सेम ही है इंडियन स्टाइल टॉयलेट। ये मेरे को थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि अच्छी बदबू आ रही है, तो जब आप हगोगे तो काफी ज्यादा मजा आएगा। हग दिया अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई हग दिया। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। तो ये स्लाइडिंग डोर आप देख सकते हो, उसको खोलना पड़ता है। तो ये अपर बर्थ वाला है और यहाँ पर लोअर बर्थ है और ये मिडल बर्थ है, यहाँ पर आप बैठ सकते हो। तो हमारा नीचे है तो मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ। तो ये वाला सीट है मेरा 27, ये वाला है। उसके बाद यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट भी है, और मेन बात तो हमें टेबल, बीच में टेबल वाला सीट मिला है। यह मेरी सीट है और ये दो सीट है। यहाँ पर दिक्कत वाली सिर्फ एक ही बात है कि जो आपके बड़े बैग्स हैं ना वो यहाँ पर फिट नहीं होंगे ऊपर, बहुत छोटे छोटे बैग्स हैं ना वही आप डाल सकते हो। अभी मेरी पूरी बड़ी बैग से दोनों भी तो वो फिट नहीं हो रहे, तो यहाँ पर हमने टेबल पे रख दिया है। और मतलब यहाँ के जो सीट्स हैं ना वो थोड़े कंजेस्टेड है, मतलब आप अगर आप फट्टे खट्टे इंसान हो या फिर थोड़े मोटे इंसान हो ना तो आप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्स हो सकते हो, मतलब अगर कोई साइड में बैठा है तो बस यही दिक्कत की बात है। और एसी है तो काफ़ी अच्छी बात है, मेरे को लगा था नॉन एसी है पर एसी निकला तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि भाई ये गर्मी जो है ना वो सहन नहीं हो रही है। तो 2:30 का टाइम दिया था और परफेक्टली 2:30 को निकली है। आई गेस 2-3 मिनट का डिले हुआ है पर इतना चलता है। और अभी सीधा पहुँचेंगे 7:30 को गुजरात में। और ये सुपर फास्ट ट्रेन है तो इसके कारण काफ़ी कम स्टेशन पे ये रुकती है, स्टॉप रहता है इसका, और 5 घंटे में वडोदरा पहुंच जाती है। और अगर 2 घंटे और ऐड कर लोगे तो 7 घंटे में अहमदाबाद पहुंच जाती है। तो काफ़ी सुपर फास्ट ट्रेन है। और इस ट्रेन की खास बात ये है कि भाई मतलब अगर आपको इमरजेंसी में किधर जाना होगा ना गुजरात साइड, अहमदाबाद, वडोदरा या फिर साउथ गुजरात, तो ये ट्रेन बेस्ट है, क्योंकि हमने खुद 2 दिन पहले ये ट्रेन बुक कर ली थी और 2 दिन पहले हमें 425 सीट्स अवेलेबल दिखा रहा था, क्योंकि ये काफ़ी रेयर बात है। क्योंकि होता क्या है कि हमें यूजुअली 1 महीना पहले बुक करना रहता है ट्रेन, पर हमें कोई भी ट्रेन मिल नहीं रही थी, और खाली ये जो डबल डेकर ट्रेन है ना वही हमें दिखा रही थी IRCTC ऐप पे, तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो ट्रेन भी मतलब मिड रेंज प्राइस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम नहीं है, क्योंकि कर्णावती एक्सप्रेस से आप अगर कंपेयर करोगे तो कर्णावती का 160-180 रुपीज़ है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा है। इस टिकट का प्राइस है 590। तो ये देख लो भाई कि स्पीड कितनी तेज है, पहले 150 किलोमीटर पर आवर की तेजी पे गया था अभी जो इंडिकेटर है वो, मतलब वंदे भारत की जो स्पीड है उससे ये थोड़ी बहुत मैच करती है। और आप देख ही सकते हो भाई, एक बार मैं आपको अपर डेक भी दिखा देता हूँ कि अपर डेक कैसा है, और अगर सीट खाली रही तो मैं बैठ के भी दिखाता हूँ।
अगर आप अपर डेक पे सीट लेते हो ना तो आपको ऐसा कुछ व्यू मिलता है, मतलब काफी हाइट पे आपको सीट मिली ना तो इसकी वजह से काफी हाइट से आपको बाहर का नजारा देखने को मिलता है। और अगर आप लोअर डेक पे लेते हो तो एकदम जो प्लेटफॉर्म रहता है ना रेलवे का, उसके थोड़ा सा नीचे की लेवल पे रहता है, तो इसलिए एकदम नीचे का व्यू आपको मिलता है। तो वही मतलब काफी सिमिलर है जो अपर डेक और लोअर डेक है वो। तो एक्चुअली हमारा बीच में था इसीलिए हमको ये जो ऐसे जो बॉटल होल्डर है ना और ये जो नेट है ना सामान रखने के लिए वो नहीं मिला था। पर अगर आप ऐसे पीछे लेते हो ना सीट्स तो आपको ये ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पर भी एक चार्जिंग पॉइंट है। तो ये देख लो भाई कि लोअर डेक से कितना मतलब एकदम प्लेटफॉर्म के लेवल पे, इसीलिए एकदम प्लेटफॉर्म के नीचे से ऐसा लग रहा है कि गुजर रही है और वैसा ही व्यू आ रहा है। तो भाई ये ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा है ना कि अगर मैं दरवाजे के पास खड़ा भी रहा ना तो मेरे को जो हवा का झोंका है ना वो बाहर खींच रहा है। मतलब मैं गलती से भी बाहर यहाँ पर खड़ा रहा ना तो डायरेक्टली मैं जाऊँगा बाहर और भाई RIP हो जाएगा मेरा। भाई साहब ये देख रहे हो बोरीवली की भीड़ कितनी ज्यादा है। मैं जाता हूँ अंदर। वैसे ये जो सीट है ना वो रिक्लाइन भी होती है अगर ऐसे, और अगर मैं खड़ा रहता हूँ तो वापस हो जाता है। यहाँ पर एक ये खींचने के बाद ये जो सीट है वो रिक्लाइन हो जाती है। और अभी बोरीवली स्टेशन आया था ना वहाँ पर इतनी ज्यादा भयंकर भीड़ थी भाई, पूछो ही मत। तो अभी हम वापी से निकल रहे हैं, ये गुजरात का पहला स्टॉप था वापी। और भाई मतलब कि हमने महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करके गुजरात में एंटर कर लिया है ऑफिशियली। बाकी के ट्रेन में बहुत ज़्यादा घंटे लगाते हैं। अभी अगर मुंबई से वडोदरा जाना है ना तो कम से कम 8 घंटे लेते हैं, और ये जो ट्रेन है वो बस 2 घंटे के अंदर मुंबई से गुजरात बॉर्डर क्रॉस भी कर लिया हमने खाली 2 घंटे में। तो देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा स्पीड है, सुपर फास्ट ट्रेन है इसीलिए। तो अभी हम आ चुके हैं नवसारी में और ये तीसरा स्टेशन है गुजरात स्टेट के अंदर जो ये ट्रेन रुकती है। और एक्चुअली मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा कि जो साउथ गुजरात के जो कुछ सिटीज़ बोलो या फिर गांव बोलो वहाँ पर अभी भी मराठी बोली जाती है। तो मैं अगर कुछ एग्जांपल्स दे दूँ तो वापी हो गया, उंबरगांव हो गया, सूरत हो गया, वडोदरा हो गया, वलसाड़ हो गया, तो ये जो सारे गांव या फिर सिटीज़ हैं ना यहाँ पर कुछ मराठी पॉपुलेशन रहती है। तो अभी ऐसा क्यों है यहाँ पर, क्योंकि 1960 तक महाराष्ट्र और गुजरात एक ही स्टेट हुआ करते थे जिसका एक स्टेट नाम हुआ करता था बॉम्बे स्टेट करके, जो कि ब्रिटिश टाइम से था। पर 1960 के बाद महाराष्ट्र सेपरेट हो गया और गुजरात सेपरेट हो गया। तो अभी वो सेपरेट क्यों हुआ तो उसकी काफ़ी बड़ी लंबी हिस्ट्री है, आप गूगल पे पढ़ सकते हो या फिर यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो इसके कारण एक ही स्टेट होने के कारण अभी भी कुछ मराठी पॉपुलेशन गुजरात में रहते हैं और काफ़ी सारे गुजरात के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, जैसे कि खानदेश जो नॉर्थ महाराष्ट्र का पार्ट है उसमें अभी भी गुजराती इन्फ्लुएंस है। तो अगर आप खानदेशी रीजन को देखोगे तो खानदेशी जो लैंग्वेज है उसमें भी काफी सारे गुजराती वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। तो अभी थोड़ा स्टेशन पे उतरता हूँ। स्टेशन पे उतरने से पहले सिटी बज गई यार, देखो मतलब 2 मिनट भी नहीं रुकी है। तो 15:35 पे नवसारी से निकल चुकी है हमारी ट्रेन और कुछ ऐसा है स्टेशन यहाँ पे भाई, क्योंकि ये सुपर फास्ट ट्रेन है और खाली 2 मिनट के लिए हर स्टेशन पे रुकती है। तो अगर आपको कोई दुकान से खरीदना होगा ना, मतलब जो रेलवे पे खाने की दुकान रहती है, अगर आपको वहां से कुछ खरीदना होगा तो कुछ खरीद नहीं पाओगे। हम सूरत पहुंच चुके हैं आप देख सकते हो। तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि इतनी फेमस सिटी है। ये जो सिटी है ना वो टेक्सटाइल मार्केट के लिए या फिर जो साड़ी आया है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इस सिटी को सिल्क सिटी, ग्रीन सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है।
तो यहाँ पे मैंने IRCTC की जो सर्विस है उसके तरफ से जो 50 रुपये का चीज़ सैंडविच आता है वो मंगवाया था, बट मेरे को इतना पसंद नहीं आया था, मतलब चीज़ भी इतना ज़्यादा डाला नहीं था और मतलब एकदम खाली खाली ब्रेड खा रहा हो ऐसा लग रहा है। तो मेरे कमेंट करो कि आप यहाँ से मत लीजिए, पर मैं मतलब अगर 5 घंटे की जर्नी है पर अगर आप पहले से कुछ खा के आते हो तो खाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बताना तो भूल ही गया कि आज ब्लैक फ्राइडे है और 7 अप्रैल है आज, तो आज की दिन की एक छुट्टी रहती है, ऊपर से सैटरडे फिर संडे, तो एक लॉन्ग वीकेंड है, इसीलिए इस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो ये मेन फैक्टर है कि इतनी भीड़ है। तो भाई 7:30 बज रहे और अभी 10 मिनट में हम वडोदरा स्टेशन पहुँच जाएंगे, तो भाई बहुत मतलब फास्ट है, मतलब 5 घंटा इज़ लाइक बहुत मतलब बहुत सुपर फास्ट है, क्योंकि बाकी के ट्रेन इतने टाइम में नहीं पहुँचते, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो मुझे पता नहीं अभी मुझे प्लेटफॉर्म पे उतरने मिलेगा कि मतलब उतरने मिलेगा ब्लॉक करने मिलेगा कि ब्लॉक कर, बहुत ज़्यादा फंबल कर रहा हूँ आज में, तो मुझे पता नहीं कि क्या बोल रहे थे, सो एक्साइटेड। आप ब्लॉग भी नहीं आना चाहते थे ना, पर आप भी आ गए। इट इज व्हाट इट इज। मैं क्या बोल रहा था, वडोदरा स्टेशन पे मुझे ब्लॉग करने मिलेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ रहेंगी, तो नहीं रहेगी भीड़, ये भाई बोल रहे नहीं होंगी, तो मैं उतरने के बाद एंड कर दूंगा। यहाँ फाइनली 5 घंटे के बाद हम वडोदरा स्टेशन पहुंच गए, आप देख सकते हैं। तो ये रहा वडोदरा स्टेशन और मेरे को लगा था कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहेगा और मेन बात तो भीड़ भाड़ रहेगी, पर भाई कुछ भी भीड़ नहीं है, बहुत मतलब बहुत कम भीड़ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे लिए तो अच्छा ही है। तो आई होप आपको ये ट्रैवल जर्नी पसंद आई होगी, अगर आपको मेरे बाकी के पुणे के फूड ब्लॉग्स देखने तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, और अगर आपको मेरे पुणे के ट्रैवल ब्लॉग्स देखने तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन चैतन्य पिंपुटकर signing off.